सो क्लास, हम लोगों ने कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था पिछले दो क्लासेस में. अब हम लोग कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन पर, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक पर पहुंच गए हैं. हम लोग पॉइंट वाइज कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन से पहले उसकी कुछ खास बातों को जानेंगे और उसके बाद उसको यूज़ करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सीखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन को करने से पहले जो जानना ज़रूरी है वो है कि दिस लॉ इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस. मतलब एक पॉइंट चार्ज Q1, एक पॉइंट चार्ज Q2 और आपसे पूछा गया कि भाई इन दोनों के बीच फोर्स, तो आपने कूलम्स लॉ सिंपली यूज़ कर लिया K Q1 Q2 upon R² यहाँ मैं ये बता दूँ बेटा कि K इज़ नॉट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हेयर. बार बार मुझे 1/4πε0 नहीं लिखना, तो मैं 1/4πε0 की जगह कांस्टेंट का सिंबल यूज़ कर लेती हूँ के. याद करने में भी आसान रहता है, बार बार बोलने में आसान रहता है, K Q1 Q2 upon R². तो इसको बैक ऑफ माइंड में रखिएगा कि के इज़ 1/4πε0. अब यहाँ इस पॉइंट की वैलिडिटी, इस पॉइंट की इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है. देखो, अगर मैंने ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज रखी और इससे आर डिस्टेंस पर चार्ज क्यू रखा और कहा कि भाई इस चार्ज पर, इस रॉड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो सोचो क्या अभी भी तुम इस फॉर्मूले को सीधे इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो इसलिए ये पॉइंट समझना ज़रूरी है कि ये लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए है. जब एक्सटेंडेड चार्ज के लिए हमें यूज़ करना होगा तो हमें दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा. फॉर्मूला हम लोग कूलम्स लॉ ही यूज़ करेंगे पर दूसरी तरीके से. दूसरा पॉइंट, दिस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेज. ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है समझो. अगर मैंने कहा कि Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स बताओ, तो ये जो फॉर्मूला है ये तुमको देगा मैग्नीट्यूड, लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है. डायरेक्शन अगर नहीं पता होगी तो हम दो चार्ज की जगह तीन चार्ज होते ही फंस जाएंगे. तो डायरेक्शन के लिए ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर मैंने Q1 का फोर्स Q2 पे जानना है तो बहुत सिंपल सा तरीका, Q1 और Q2 को जोड़ने वाली सीधी लाइन खींचो. अब देखो कि Q2 Q1 से रिपल हो रहा है कि अट्रैक्ट हो रहा है. दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ रिपल हो रहा है. तो देखो मैंने फोर्स वेक्टर Q2 पे कैसे बना दिया, अवे फ्रॉम द चार्ज Q1 एंड Q2, और लिखा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. ये पॉइंट जब बच्चों को क्लियर नहीं होता है तो वो इस कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को गलत भी करते हैं और डरते भी बहुत हैं. तो ये पॉइंट फिर से मैं बता रही हूँ. अगर मान लो Q1 पर Q2 से हमें फोर्स निकालना है, तो क्या किया हमने, पहले इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को, एक सीधी लाइन को खींच दिया, फिर देखा कि Q1 रिपेल हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है. Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, Q1 Q2 से रिपेल होगा, तो मैंने फोर्स वेक्टर इसी लाइन को आगे बढ़ाकर अवे फ्रॉम Q1 Q2 इस फोर्स वेक्टर को खींच दिया. और इसको लिखेंगे कैसे, सब अपना अपना सिंबल यूज करते हैं बच्चे ना, स्टैंडर्ड सिंबल है. कैसे लिखेंगे, फोर्स किस चार्ज पे, वन पे, तो देखो वन, और किसकी वजह से, टू की, तो देखो टू. आई बात समझ में? थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं.
एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी बार दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लिया इस बार मैंने. अब Q2 Q1 से अट्रैक्ट होगा, तो फिर वही स्टेप, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन खींच ली पहले, और उसके बाद Q2 को Q1 की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो एक फोर्स वेक्टर इसी लाइन पे बनाया जो टूवर्ड्स Q1. Q1 को Q2 की ओर अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो फोर्स वेक्टर इसी लाइन पे बनाया टूवर्ड्स Q2. और फिर सिंबल वही, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. क्लियर हो रहा है? अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं. असल में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में, तो हो सकता है 21 में आपको ऐसा कोई सवाल मिल जाए. तीन चार्जेस ले लिए, तीन चार्जेस ट्राइंगल की तीन वर्टिसेस पर, या मैंने Q1 को पॉजिटिव लिया है और Q2 को जनरलाइज करने के लिए नेगेटिव ले लिया है, और Q3 भी पॉजिटिव है. और सवाल, Q3 पे कुल फोर्स कितना है? अब Q3 पे फोर्स तो Q1 भी लगाएगा और Q2 भी लगाएगा, तो हम 1 by 1 दोनों चार्जेस को कंसीडर करेंगे. यहाँ ये बात ध्यान करने वाली है कि Q2 Q1 और Q3 के फोर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, और Q1 Q2 और Q3 के बीच इंटरफेयर नहीं करेगा. तो Q1 का फोर्स Q3 पर, देखो सीधी लाइन ज्वाइन की, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे तो आगे बढ़ा दिया. Q3 पर जो फोर्स है वो Q1 और Q3 दोनों से अवे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1. अब Q2 पर देखो, Q2 का फोर्स Q3 पर कैसा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट नेचर के हैं दोनों, तो लाइन ज्वाइन करी और Q3 पे जो फोर्स वेक्टर बनाया वो टूवर्ड्स Q2. बात समझ आ रही बेटा? इन दोनों फोर्स वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो हमने सीखा था वेक्टर्स में क्लास 11th में, वो Q3 पे नेट फोर्स होगा. तो ये तरीका है चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करने का. अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एक्शन रिएक्शन पेयर. एक बार सवाल पूछा गया था कि इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाएगा? चलो समझते हैं. दो चार्जेस फिर से ले लिए आर डिस्टेंस पर, इन दोनों पर जो फोर्सेस एक दूसरे की वजह से एक्ट करेंगे, मैं फिर से एक बार तुम्हें बनाकर दिखा दूं, जिससे कि जिस बच्चे को कन्फ्यूज़न हो उसको कन्फ्यूज़न दूर कर लेना चाहिए. मैंने क्या किया, Q1 Q2 को मिलाने वाली लाइन ज्वाइन करी, Q2 पर रिपल्सिव फोर्स Q1 की वजह से, देखो कैसे वेक्टर बनाया मैंने, अवे फ्रॉम Q1 एंड Q2. Q1 पर Q2 की वजह से रिपल्सिव फोर्स, देख रहे हो, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस को ही आगे बढ़ा दिया, और Q1 का रिपल्सिव फोर्स, Q1 जो एक्सपीरियंस कर रहा है Q2 की वजह से, अवे फ्रॉम Q1 एंड Q2. चलो अब हम लोग इन फोर्सेस की वैल्यू लिखते हैं. देखो जरा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? नहीं, के यहाँ 1/4πε0 है. एफ ड्यू टू 1/2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अरे ये दोनों तो सेम है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं. क्या दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं? हाँ,
दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं। क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं और अलग अलग चार्जेस पर लग रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लग रहे हैं? हाँ, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे फोर्स जो इक्वल भी हो, ऑपोजिट भी हो एंड दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अरे ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। तो आया समझ में व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एक्शन रिएक्शन पेयर? अब यहाँ बात इतने पर नहीं खत्म होती है। मान लो पूछ लें व्हाई, तो तुम आंसर कैसे करोगे? ऐसे डायग्राम बनाओगे, वैल्यूज लिखोगे और फिर कहोगे एज द टू फोर्सेज आर इक्वल, ऑपोजिट एंड एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर द टू फोर्सेज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बहुत मेहनती बच्चों को एग्जाम में सवाल का आंसर लिखते समय कंफ्यूज होते देखा है। इतना बड़ा आंसर लिख दिया लेकिन जो जरूरी बात है वो है ही नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हें लिख के बता रही हूँ कि तुम्हें क्या लिखना है। धीरे धीरे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, हमेशा के लिए तुम्हें ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आंसर्स लिखने भी कैसे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इट्स अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, भाई ये तो क्लास टेंथ में ही पढ़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सवाल यह पूछ सकते कि व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें बहुत बार कॉपी करेक्ट करते समय मैं देखती हूँ कि बच्चे एग्जाम में लिखते हैं फोर्स इज कंजर्वेटिव बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। बच्चा, फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन बाय द फोर्स पाथ पे डिपेंड करता या नहीं करता है। तो नेवर से फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, दैट इज व्हाई दैट फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सही टेक्निकल लैंग्वेज क्या है? वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, दैट इज व्हाई दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस बात को हम लोग पहले से जानते हैं, मैं इसको सिर्फ रिपीट कर रही हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज वर्क डन बाय दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। अब अगर ये बात तुमने स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ी और फील नहीं कर पाए तो ये याद भी नहीं होगी। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि हमने यहाँ पर एक फील्ड ली। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम कर चुके हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? स्पेस अराउंड अ चार्ज, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या उस चार्ज का इलाका। ठीक बात। अब याद करो कि सनलाइट बहुत दूर से आती है तो हम क्या मानते हैं कि सन रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सोचो कि इस स्पेस से अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उसके चारों ओर उसका इलाका, उसकी फील्ड होगी। और फील्ड के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशन फील्ड हो, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती जहां आप कहें कि भाई इसके बाहर फील्ड जीरो। तो तुम कहोगे क्यों, हम तो मानते हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एक पॉइंट पर जाकर असर करना कम कर देती है। कम कर देती है, जब हम कहते हैं कि फील्ड से बाहर हो गया चार्ज, इसका मतलब ये नहीं है कि फील्ड जीरो हो गई। इसका मतलब ये है कि फील्ड का फोर्स, फील्ड का मैग्नीट्यूड अब बहुत इफेक्टिव नहीं रह गया, क्योंकि फोर्स और फील्ड दोनों 1/r² की रेट से डिक्रीज करती हैं जब डिस्टेंस बढ़ता है। तो इस फील्ड का चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कहीं रखा है तो ये फील्ड हमको यहाँ पर कैसी मिल रही है?
फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हैं और फील्ड यूनिफॉर्म है. एक्चुअली मैं इसलिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेफरेंस में ले रही हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लास टेंथ में पढ़ा है, तो आपको आइडिया है फील्ड लाइंस का. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं सी, पोजीशन वन ए, पोजीशन टू सी, और चार्ज ए से जाना है सी. तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाएगी, लेकिन उसे जाना कहाँ से कहाँ तक है? ए से सी तक. और हमने कहा कि भाई चार्ज पहले ए से बी जाएगा और फिर बी से सी जाएगा. तो जब फील्ड फोर्स लगाकर चार्ज को डिस्प्लेस करेगी तो फील्ड काम करेगी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. ए से बी चार्ज गया, डिस्प्लेसमेंट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और बी से सी गया, फिर से फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. और हमने देख लिया कि भाई कितना काम किया फील्ड ने. फिर किसी ने कहा कि नहीं भाई, हम तो ए से बी, बी से सी नहीं जाएंगे, हम तो ए से सी सीधा जाएंगे, चार्ज को सीधा ले जाएंगे. तो हमने फिर से फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी कैलकुलेट किया, फिर से वर्क डन मिल गया, पर इस बार पाथ अक्वायर्ड दूसरा था. फिर किसी ने कहा नहीं, हम तो सीधे नहीं जाएंगे, हम तो बहुत घुमाकर चार्ज को ए से सी ले जाएंगे थर्ड पाथ से. तो फिर से फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया. जब हमने तीनों वर्क डन कैलकुलेट किए तो हमने पाया कि अरे रास्ते तो अलग अलग हैं लेकिन वर्क डन सेम आया. तो हमें क्या समझ में आया कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ अक्वायर्ड. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स. तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, वर्क डन बाय फोर्स डज नॉट डिपेंड, फोर्स डज नॉट डिपेंड नहीं यूज करना है. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ. ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे. तो इसलिए हम शुरू करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत पूछा गया है बोर्ड में. सवाल है, 2009 आईएससी बोर्ड में पूछा गया था कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. और सेम टॉपिक पे 2013 में सवाल बनाया, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, फाइंड रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ वाटर एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो इन दोनों सवालों को देख के आप समझ पा रहे हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो हमें ये भी समझना है कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे समझना सीखें. ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको न सिर्फ पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर भी समझाऊँ बल्कि अपने आप से समझना बताऊँ कि कौन से टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जब आप रिवाइज कर रहे हैं फाइनली तो ज़्यादा गौर से पढ़ने हैं. चलिए सवाल पर आते हैं. रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, फाइंड रिलेशन बिटवीन ई डब्ल्यू एंड ई नॉट. रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला याद करना है हमको, ई डब्ल्यू अपॉन ई नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और वो कह रहे हैं कि दिस इज 81, तो हमने लिख दिया दिस इज 81, दिस रेशियो इज. तो लो, हमें ई डब्ल्यू और ई नॉट में रिलेशन पता चल गया. तो 2013 का सवाल तो हो गया. अब आते हैं 2009 वाले क्वेश्चन में कि रिलेटिव परमिटिविटी अगर 81 है तो इसका मतलब क्या है. तो चलो मैं तुमको याद कराऊं कि मैंने पिछले क्लास में तुमको बताया था कि फोर्स ऑफ मीडियम अपॉन फोर्स
of medium, ni force in medium between the two charges upon force between two charges in air is equal to, हमें मिला था epsilon naught upon epsilon m. फिर हमने इसको रीअरेंज किया था. कैसे रीअरेंज किया था? कि fm is equal to, f naught को ऊपर ले आए थे और ये जो रेशियो है इसको डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया था em upon e naught. और यही तो रिलेटिव परमिटिविटी है. तो हमें याद करो क्या पता चला था कि मीडियम में जब दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर रख दें तो उनका फोर्स एयर में उनके बीच के फोर्स से 1/k टाइम्स कम हो जाता है. तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम कई न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और हम 2009 के सवाल का आंसर भी इसी फॉर्मूले से देंगे. ध्यान से सुनना. रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81. दिस इम्प्लाइज दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर इज डिक्रीज्ड बाय द फैक्टर 81 in comparison to force between the two charges when they are kept at same distance in air. अब जिसको इतनी बड़ी लैंग्वेज लगे कि भाई ये कैसे, कितनी बड़ी लैंग्वेज है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं एक छोटा तरीका बेटा बताती हूँ तुमको. बिल्कुल परेशान किसी को नहीं होना है. बहुत प्यार से, बहुत धीरज के साथ समझना भी है और लर्न करने की तो मैं ट्रिक्स भी कहीं कहीं जहाँ जहाँ मुझे समझ आता है बताती हूँ कि हर बच्चा समझ भी सके और याद भी कर सके. तो आप इसको इस फॉर्म में ही लिख दीजिए. आप कहिए कि दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट एफ इन वाटर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 81. ये तो आसान है. बस यहाँ एक काम और करना है. क्या? आपको बताना पड़ेगा कि F W का मतलब है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. लिखने का तरीका देख रहे हैं आप? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस R इन वाटर. ठीक है. और एफ नॉट लिखना पड़ेगा तुमको यहां पे. ठीक इसके नीचे लिखोगे एफ नॉट एज फोर्स इन एयर. अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे इतने लंबे स्टेटमेंट का शॉर्टकट है. बस तुमको ये सिंबल्स क्या हैं ये बताना बहुत जरूरी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा. अगले सवाल पे बढ़ते हैं. अगला सवाल देखो मैंने क्या लिया है कि थ्री चार्जेस क्यू, स्मॉल क्यू और प्लस क्यू, दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 0, डी बाई 2 एंड डी फ्रॉम ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस. फिर वो कहते हैं कि फोर्स ऑन क्यू प्लेस्ड एट एक्स इक्वल टू 0 इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू. तो पहली बात ध्यान से सुनना. कैपिटल क्यू नॉन चार्जेस और स्मॉल क्यू के बारे में वो तुमसे पूछ रहे हैं तो ना इसका नेचर पता है ना ही इसका मैग्नीट्यूड. क्लियर हो रही बात? फिर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं तुमसे कहूँगी कि हमेशा जहाँ तक हो सके आप डायग्राम बना लो. डायग्राम से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है सवाल में. देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया. मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया. उन्होंने कहा कि एक चार्ज जीरो डिस्टेंस पे रखा है ओरिजिन से, तो मैंने ओरिजिन पर क्यू को रख दिया. फिर उन्होंने कहा कि दूसरा चार्ज d by 2 डिस्टेंस पर रखा है ओरिजिन से, तो मैंने स्मॉल q जो अननोन है उसको d by 2 डिस्टेंस पर रख दिया ओरिजिन से.
और फिर उन्होंने कहा कि ये जो कैपिटल क्यू है ये डी डिस्टेंस पे रखा है, तो ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे कैपिटल क्यू रख दिया। फिर उन्होंने की पॉइंट क्या बताया कि जो ओरिजिन पर क्यू है उस पे नेट फोर्स ज़ीरो है। तो अब हमने फोकस अपना कहाँ पे लगा लिया, जिस पर फोर्स ज़ीरो बताया है। हमने कहा कि ये अगर पॉजिटिव नेचर का होगा तो ये भी रिपेल करेगा क्यू को और ये भी रिपेल करेगा क्यू को, तो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होंगे, ज़ीरो नहीं हो सकते वो दोनों मिलकर। तो हमने कहा कि फिर इसका मतलब क्या है कि इसको पॉजिटिव तो नहीं होना है, तो फिर ये क्या है, इसका नेचर निगेटिव होना चाहिए। तो अब इस नए सिनेरियो में देखो, मैंने फिर से ओरिजिन वाले क्यू को यहाँ बनाया और मैंने कहा कि अगर ये निगेटिव होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपिल करेगा। अब ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं, अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं जबकि ये दोनों इक्वल हो। तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि फोर्स ज़ीरो है नेट फोर्स, तो हमने कहा कि लो इसका नेचर होना चाहिए निगेटिव और इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी क्यू पर फोर्स ज़ीरो हो पाएगा। तो हमने पहले कैपिटल क्यू पे स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स लिखा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, डी बाई टू है ना दोनों के बीच की डिस्टेंस। और फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड अदर कैपिटल क्यू लिखा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो डी है। जो कैंसिल हो रहा है वो सब कैंसिल कर दिया, क्या बचा, स्मॉल क्यू बचा लेफ्ट साइड में और ये जो 2 की पावर 2 था ये ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। तो जब ये ऊपर आ गया तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ये हो जाएगा, ये 4 ऊपर आएगा, तो जब ये इक्वल के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन 4। तो स्मॉल क्यू को क्या होना चाहिए, ये गलत लिख दिया मैंने, क्यू अपॉन 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा कि ये नेगेटिव चार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड है क्यू अपॉन 4। क्लियर हुआ? तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन जेई मेंस 19 में आया था। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मुश्किल सवाल नहीं था। जेई मेंस में नंबर कटने की दो वजह होती है, एक तो प्रेशर की वजह से बच्चे बहुत क्लोज रिलेटेड ऑप्शंस में से ऑप्शन चुनते समय गलती कर देते हैं। सवाल आसान होता है, वो आंसर भी समझ लेते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस दिए रहते हैं वो इतने क्लोज होते हैं एक दूसरे के, कंफ्यूजिंग होते हैं कि वो प्रेशर में गलत ऑप्शन ले लेते हैं और 4 नंबर चले जाते हैं उनके नेगेटिव मार्किंग की वजह से। और दूसरा कि अगर उनको सवाल आ भी गया तो उसमें टाइम बहुत लग गया, तो टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडल नहीं कर पाने से क्वेश्चंस गलत होते हैं। और तीसरी बड़ी वजह होती है कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना करके मुश्किल सवालों में फंसे रहते हैं। अगर आपका मेंस अच्छा हो गया बेटा तो आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं सिर्फ मेंस की रैंकिंग से, नहीं भी एडवांस क्लियर हो पाया तो भी। तो मेंस अच्छा तभी होगा जब आप मुश्किल सवालों के पीछे ना पढ़ें, आप कॉन्सेप्ट्स के पीछे पढ़ें कि बात मुझको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब मैंने अगला क्वेश्चन लिया है एचसी वर्मा से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एचसी वर्मा से बेहतर शायद ही कहीं हो। एचसी वर्मा का हर सवाल एक खास कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बना हुआ है, तो मैं उसी में से ज़्यादा सवाल लेती हूँ कि बात क्लियर हो जाए। तो एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये सवाल है,
कि कैलकुलेट मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. उन्होंने कहा कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बताओ. चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बताया. वो चार्जेस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हैं. तो पहले हमने कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख लिया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और आर की जगह 1 मीटर, हम 1 सेंटीमीटर यानी 1 × 10⁻²⁪ मीटर. अब सोचो फोर्स मिनिमम कब होगा, जब दोनों चार्जेस मिनिमम होंगे. और मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है, सोचो. बिल्कुल ठीक, मिनिमम पॉसिबल चार्ज हो सकता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. लो सवाल को, सवाल खत्म. आप लिखो फोर्सेस के की वैल्यू 9 × 10⁹, क्यू वन की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, क्यू टू की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, और आर की वैल्यू 10⁻². वैल्यू सब्स्टिट्यूट की आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.3 × 10⁻²⁴ न्यूटन्स. आसान था, पर ये सवाल भी एक बार पूछा जा चुका है और इक्वली इम्पॉर्टेंट है अगली बार के लिए भी. जैसे 21 में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आईएससी बोर्ड में मिल सकता है. अगले सवाल पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है एचसी वर्मा के, सेम चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स से. और ये सवाल क्या कहता है कि टू स्मॉल इंसुलेटिंग स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, आप विजुलाइज करने लगो कि दो स्फीयर्स थे, उनको आपस में रब किया गया. एंड देन दे आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट. पहले रब किया, रब किया तो क्या हुआ होगा, एक से चार्ज इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और दूसरे में चले गए होंगे. जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा, और जिसमें चले गए वो निगेटिवली चार्ज हो गया होगा. अब उन्होंने कहा कि वेन दे आर प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन. ऑब्वियसली एक प्लस है एक माइनस है, वो अट्रैक्ट करेंगे. क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड व्हेन दे वर रब्ड. तो मान लो कि n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो इस पर कितना चार्ज आ गया, प्लस एन ई. इस पर कितना चार्ज आ गया, माइनस एन ई. और इनके बीच की डिस्टेंस 1 × 10⁻²⁰ मीटर्स. फिर से कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लिया. फिर से k की वैल्यू 9 × 10⁹, क्यू वन एन इंटू ई, क्यू टू एन इंटू ई, और आर की जगह 10⁻²² सॉल्व किया. तो जितनी नंबर्स थे उन सबको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके 23.04 मिला, और मिला 10⁻²⁵. और साथ में ये जो एन पता कर रहा है हमको, ये एन स्क्वायर मिल गया. F इज इक्वल टू दिस मच, लेकिन F की वैल्यू तो दी है, तो रख दो इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर. अब हमें एन स्क्वायर पता करना है, तो हम एन स्क्वायर को एक साइड में छोड़ें और बाकी सब दूसरी साइड में ले जाएं. तो हमें एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, F अपॉन दिस वैल्यू, और F की वैल्यू है 0.1. तो देखो नेक्स्ट लाइन में मैंने एन स्क्वायर इक्वल टू F अपॉन 23.04 × 10⁻²⁵ लिख दिया. सॉल्व करेंगे तो आपको, मैंने तो सॉल्व कर रखा है, पर आप कॉपी नहीं करेंगे, आप इसको अपने आप से सॉल्व करेंगे बेटा. तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.08 × 10⁻¹ इलेक्ट्रॉन्स. आसान था, बस बिल्कुल घबराना नहीं है. खूब प्यार से समझो, धीरे धीरे करो, अभी टाइम है तुम्हारे पास. और जहाँ कन्फ्यूज़न हो वहाँ बहुत कूल होकर बात को समझो, टेंशन में मत आओ.
अगला सवाल मैंने लिया है 21st क्वेश्चन है सी वर्मा का, क्या है देखो भाई, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2×10⁻¹ कूलम ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड दिस सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब कितने बच्चों ने क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ते पढ़ते विजुलाइज करना शुरू किया था, बहुत ज़रूरी है बेटा ये। दो चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने कहा कि एक स्ट्रिंग से ज्वाइन किया, दोनों चार्ज सेम थे और स्ट्रिंग से ज्वाइन करके हॉरिजॉन्टल टेबल जो फ्रिक्शनलेस थी, स्मूथ थी, उस पर रख दिया, तो क्या होगा सोचो, दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे और भागना चाहेंगे। जैसे ही रिपल करेंगे और भागना चाहेंगे, वैसे ही जब वो भागने लगेंगे तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। तो दोनों चार्जेस 1 मीटर लंबी स्ट्रिंग से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। और सवाल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो सिस्टम है ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, जहाँ फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं है, इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम देखो बात को, लॉजिक को कैसे सोचेंगे। हम कहेंगे कि मान लो पार्टिकल 1 है और ये इक्विलिब्रियम में टेबल पे रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। एक फोर्स तो हमको पता है कि दूसरे चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन दूसरा फोर्स कहाँ से आया, ये जो स्ट्रिंग टाइट हुई, इस टाइट स्ट्रिंग ने इस चार्ज को पीछे की ओर अपने टेंशन से रोका, इस फोर्स को नलीफाई किया। तो ये जो टेंशन है ये वो दूसरा फोर्स है, और टेंशन भी हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, तो टेंशन फोर्स से बराबर है रिपल्सिव फोर्स से, और ऑपोजिट भी हैं ये दोनों, तो इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, इसलिए ये चार्ज बैलेंस है, रेस्ट पर है। तो टेंशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से मिलता है, K Q1 Q2 / R² लीजिए, ये सवाल भी हो गया। आपको बस अब वैल्यूज रखनी है, K की वैल्यू 9×10⁹ और Q1 Q2 की वैल्यू 2×10⁻¹। तो ये स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, R 1 मीटर है। कैलकुलेट करोगे तो तुमको वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल टू टेंशन 3.6×10⁻¹ न्यूटन्स। तो अब बेटा ये मेरे को बताओ कि क्या तुम्हें ये सवाल मुश्किल लगे। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे मुझे पता है, लेकिन अगर तुम इन क्वेश्चंस को खुद से नहीं करोगे तो जब तुम इन्हें फ्रेश करने बैठोगे तो बहुत सारे बच्चे फंसेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप, मैं अगर इतना लिख सकती हूँ तो आपको मुझसे तो ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको भी ये सारे क्वेश्चंस खुद से करने पड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और मैं कहूँगी कि हम दोनों मिलकर, हम दोनों मतलब मैं तुम्हारी टीचर और तुम मेरे बच्चा पार्टी, हम दोनों मिलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट।